Hello friends, if you want to learn Python, then you are in a right place. In this video, we will see practically how we can install Python and from where. We will also learn how to install Python in our computer or laptop and even in our phones. So friend, for installing Python, हम लोगों को कोई एकदम costly computer और laptop नहीं चाहिए. ये एक community computer, मतलब सस्ता laptop और computer में भी install हो सकता है. No high configuration computer is needed for installing Python. Minimum hardware requirement are Intel processor, any operating system, as its one feature is also cross platform, so operating system is not a issue. Any operating system can be used for installing Python. चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं. उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग अब जाएंगे ब्राउजर में. आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं, आप जो भी ब्राउजर यूज करना चाहते हैं वो. मैं यूज करता हूँ क्रोम. तो यहाँ हम लोग बस एक ही कीवर्ड टाइप करेंगे, पाइथन. और जैसे ही आप लोग पाइथन टाइप करेंगे, सबसे पहला जो लिंक आएगा वो है ऑफिशियल लिंक ऑफ अ पाइथन. मतलब ये क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन का, यहीं से हम लोग को डाउनलोड करना चाहिए. अदर और दूसरे वेबसाइट से और अदर रिसोर्सेज से हम लोग को डाउनलोड नहीं करना चाहिए पाइथन को. तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है पाइथन का, इसका एक फीचर ये भी है कि इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स. तो ये मतलब हम लोग को कोई इसका अमाउंट पे नहीं करना पड़ता ना किसी को. तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ वेलकम टू पाइथन डॉट ओ आर जी में क्लिक करेंगे. और पाइथन डॉट ओ आर जी में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा जो कि एक ऑफिशियल पेज है पाइथन का. इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इसमें जो जो इसमें पाइथन का जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं. आप सबको अच्छे से व्यू कर सकते हैं. हम लोग का मेन मोटो इस वीडियो का क्या है, हम लोग को सीखना है कि हम लोग इंस्टॉल कैसे करें, मतलब डाउनलोड करें. तो हम लोग जाएंगे डाउनलोड्स में. जैसे ही हम लोग डाउनलोड्स में गए, आप देख सकते हैं ऑल रिलीजेस, सोर्स कोड, विंडोज, मैक ओएस, अदर प्लेटफॉर्म्स, लाइसेंस, अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे ऑप्शंस हैं. अब हम लोग को क्या करना है, अगर विंडोज में हम लोग को इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड फॉर विंडोज में. अगर और आपके पास दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि मैक, iOS और अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे उबंटू हो गए और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा इसमें जाके क्लिक करके, मतलब इस लिंक में क्लिक करके हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं. तो हम लोग डायरेक्टली क्लिक करते हैं पाइथन 3.7.3 में. इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन. जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, सेव करने के लिए ऑप्शन पूछेगा आपको. आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं. मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप में ताकि हम लोग को इजिली ये अवेलेबल हो सके इंस्टॉलेशन के टाइम में. तो सेव किए. ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो हम लोग का है 24.2 MB का ओनली. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग का पाइथन डाउनलोड हो चुका है. अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं डबल क्लिक करके. सेम है, इसको भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे, एक विंडो अपीयर होगा. यहाँ पर पहले वाले विंडो में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ एड पाइथन 3.7 टू पाथ. जैसे कि हम लोग को जावा को जब रन करना था तो जेडीके जेआरई का हम लोग को पाथ को सेट करना पड़ता था. किसमें, एनवायरमेंटल पाथ में. कंप्यूटर्स के सेटिंग्स में जाके हम लोग को एनवायरमेंटल पाथ में उसको एड करना पड़ता था. इसमें क्या होता है, पाइथन में ये एक फीचर दिया है कि ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, हम लोग को बस चेकबॉक्स में चेक करना रहता है और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको पाइथन का जो पाथ है उसको क्या करता है, वो अटैच कर देता है और एड कर देता है किसमें, एनवायरमेंटल. तो हम लोग को यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद हम लोग को जाना है इंस्टॉल नाउ में. ये थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंड्स इंस्टॉल होने में. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ की सेटअप को सक्सेसफुली इंस्टॉल करके आ गया ये. तो ये क्या हुआ, हम लोग का जो पाइथन का जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज, या तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप, या तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. अब इसको हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे स्टार्ट में. यहाँ हम लोग रिसेंटली एडेड में देखेंगे, यहाँ पर पाइथन 3.7 मॉड्यूल डॉक्यूमेंट, आईडीएली पाइथन 3.7 32 बिट, पाइथन 3.7 मैनुअल 32 बिट, ये सारे आ जाएंगे. अगर यहाँ पर रिसेंटली एडेड में नहीं आया तो यहाँ पाइथन करके 3.7 करके एक फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर वो पूरा इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये इंस्टॉल हो गया. अब इसको हम लोग को अगर चेक करना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली क्लिक करेंगे आईडीएली में. ये यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, इसी कारण ये पाइथन शेल यहाँ ये ओपन हुआ, नहीं तो ये ओपन नहीं होता. फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि हम लोग पाइथन को हमारे फोन्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन्स में. मैं एंड्रॉइड फोन में ही इंस्टॉल किया हूँ, इसी कारण आपको एंड्रॉइड फोन का ही बताऊंगा, अपने ही फोन का. नाउ फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि पाइथन को हम लोग अपने एंड्रॉयड फोन्स में कैसे इंस्टॉल कर सकें. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इंस्टॉलेशन पाइथन का अपने एंड्रॉयड फोन्स में. तो हम लोग अपना एंड्रॉयड फोन ओपन कर लेंगे. यहाँ हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में.
यहाँ हम लोग को सर्च बॉक्स में टाइप करना है क्यू पाइथन 3, पाइथन 3 फॉर एंड्रॉइड। जैसे कि यहाँ सजेशन बॉक्स में सजेशन डिस्प्ले कर रहा है, तो हम लोग यहाँ क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, क्यू पाइथन लैब का एक प्रोडक्ट है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो पाइथन के प्रोग्रामर्स ही डेवलप करते हैं इसको। तो यहाँ हम लोग इंस्टॉल में क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टेप वन इज टू गो टू प्ले स्टोर एंड सर्च फॉर क्यू पाइथन 3। इट्स ऑफ 20.94 MB, दैट इज 21 MB. It's a product of Python. The QPython is uploaded into the Google Play Store so that the coder who used to code Python program on computer or laptop, they can do it on their phones. क्योंकि ऐसे बहुत सारे students हैं जिनके पास laptop और computer available नहीं होते, तो उन लोग पीछे छोड़ जाते हैं और practicals नहीं कर पाते programming Python के लिए। तो ये 96.98% हो गया, 99% हो गया। जैसे ये install हो, download होके install होगा, वैसे हम लोग open करते हैं इसको। इसका पूरा का पूरा इंटरफेस देखिए, यहाँ क्या बोल रही है, अलाउ क्यू पाइथन 3 टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। तो इसको कर दीजिए अलाउ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कंसोल, एडिटर, प्रोग्राम्स, ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। तो जो जो हम लोग कोडिंग हम लोग कंप्यूटर्स में करते थे, मतलब जो कंप्यूटर लैपटॉप में करते थे, सेम कोडिंग हम लोग यहाँ अपने फोन में कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन में क्यू पाइथन 3 के अंदर। तो चलिए सब फ्रेंड्स, पहले हम लोग जाते हैं कंसोल के अंदर। यहाँ हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स टाइप करते हैं, 4 + 5। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टाइप किया 4 + 5 और प्रेस किया एंटर, तो हम लोग का आंसर आ गया 9। जैसे कि 3 - 9 एंड वी विल प्रेस एंटर, हम लोग को क्या मिल गया, -6। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कंसोल विंडो में सिंगल लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं पाइथन को, और उससे हम लोग प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटर। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं। हम लोग यहाँ एडिटर्स में जाके यहाँ नंबर ऑफ लाइन लिख सकते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के। मीन्स यहाँ एक मैं अगर एक प्रोग्राम बनाना है मेरे को कैलकुलेशन का, मान लीजिए कैलकुलेशन का बनाना, इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन सारे आ जाते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड इंटू मॉड सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आ जाते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अभी। हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, ए इक्वल टू 80, मैं ले तो यहाँ से बी इक्वल टू 90। प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हम लोग कर देते हैं ब्रैकेट के बाहर चल के, और यहाँ हम लोग कर देते हैं एच। अब इसको हम लोग को करना पड़ेगा फ्रेंड सेव। हम लोग जैसे ही सेव करेंगे यहाँ आ जाएगा हम लोग का, हम लोग जैसे ही सेव करेंगे हम लोग का न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ हम लोग को नेम देना है, हम लोग नेम दे देते हैं 1.py और ओके में क्लिक कर देंगे, कंफर्म टू ओवरराइट ओके कर देंगे। मैं एक और बनाया रहा हूँ ऐसा, तो चलिए फाइल सेव। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं यहाँ प्ले बटन से। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे ही प्ले बटन में क्लिक किए, ये इनडायरेक्टली आया कंसोल विंडो में, और कंसोल विंडो में यहाँ आके वो यहाँ पर आंसर प्रिंट कर देगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स आर 7200। यहाँ पर ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन ये ऐसा इस कारण आ रहा है क्योंकि ये नीचे यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हो सकता, ये नीचे आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग और एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको कर देते हैं 9 और इसको कर देते हैं 8। अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या आ रहा है, 72। ठीक है, अब एक बार और कुछ ऐसे नंबर्स लेके देखते हैं, छोटे नंबर्स, और इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि वो एक ही लाइन में L.cut friends, यहाँ इसको हम लोग कर देते हैं प्ले means run।
अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, एक ही लाइन में प्रिंट होगा। हम लोग क्या कर रहे थे वहां पर, प्रिंट के अंदर में बहुत लंबा कमेंट दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, मल ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर आर 72। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड, लेट मी बाइंड अप माई टूडेज वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू वॉन्ट मी टू मेक न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पाइथन, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। In next video, we will see how many ways we can run Python. Okay, friend, bye bye and have a good time ahead.